तो एज यू नो एफएस स्टूडियो का 21.2 ऑफिशियल रिलीज हो चुका है एंड उसमें तुम्हें तुम्हारे भाई का ये खूबसूरत सा चेहरा भी देखने को मिल जाएगा। आज मुझे याद आया कि मैं फेमस। As you know, I am a FL Deucer, which means मेरी primary door किसी भी type का music बनाने के लिए है FL Studio, हक से FL Gang, new FL 21.2 comes with AI stem separation, mastering tool, FL Cloud और बहुत सारे amazing features के साथ। But आज की video बहुत ज़्यादा interesting होने वाली है क्योंकि मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्यों मेरा ये खूबसूरत सा चेहरा FL में आपको देखने को मिलता है and साथ में एक beat भी बनाएंगे from scratch। So मोए मोए ना करते हुए let's go। ये हमारा काम नहीं है। हाँ, बट जब FL क्रैश हो जाए क्या कर रहा हूँ मैं भाई। फाइनली तुम्हारे भाई ने अपडेट कर लिया है FL स्टूडियो को 21.2 में और यहाँ पर तुम्हें एक न्यू सेक्शन मिल जाता है विच इज साउंड, जो कि एक्चुअल में है FL क्लाउड। एंड इस पर जैसे आप क्लिक करते हो और यहाँ पर सामने ही तुम्हें मिल जाता है अपने भाई का खूबसूरत चेहरा और उसका नाम विच इज JS पहाड़ी। यू लिटरली डोंट नो कि भाई अभी इस टाइम में मैं कैसा फील कर रहा हूँ। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू मी एंड ये मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट मैं बोलूँगा। मुझे आज भी वो पहला दिन याद है जब मैंने FL स्टूडियो डाउनलोड किया था विच इज 9th क्लास और आज से 10 साल पहले, और जब मैंने उसे पहली बार ओपन किया एंड मेरे से गलती से F8 क्लिक हो गया एंड मेरे सामने ये खुला भाई। तो जैसे ही ये खुला ना, मेरे दिमाग में बस एक चीज़ आया कि भाई ये क्या नासा का कंप्यूटर खुल गया क्या सामने। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे जस्ट पता चला कि इस पर म्यूजिक बना सकते हैं एंड मैंने ये खोल दिया। उसके बाद मैंने नहीं, ये मेरे से नहीं होने वाला। एंड यहाँ से जो ये क्लोज ऑप्शन होता है मैंने इस पर क्लिक किया एंड दैट्स ऑल भाई। अपनी मजानी लाइफ जिंदगी आराम से मैं जीने लगा जो भी मैं करता था। देन आई स्टार्टेड फोकसिंग बैक ऑन FL स्टूडियो जब मेरा ब्रेकअप हुआ था 12th में आई गेस। एंड उसके बाद भी मैं सीरियस नहीं था, जस्ट उसे चेक कर रहा था कि क्या होता है, किस तरह से होता है। एंड मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने बीट्स बनाना शुरू किया तो मैंने बस ये बनाया था जो मैं अभी आपको सुना भी देता हूँ। क्या मतलब इसको देख कर ना मैं खुश हो गया था। एंड फिल इच टू स्टेप्स एंड दिस इज व्हाट आई केम अप विद। आई मीन उस टाइम जो किक होती थी वो, अगर पुराने जो FL वाले उनको पता होगा ये किक डिफरेंट होती थी। 808 किक नहीं होती थी, यहाँ पर नॉर्मल किक मिलती थी आपको। सो या मैं ये बना पाता था उस टाइम। एंड फिर जब कॉलेज खत्म हुआ फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हुआ म्यूजिक के लिए एंड मैंने फिर परमानेंट ही करना स्टार्ट कर दिया। एंड धीरे धीरे आज हम इस लेवल पर आ चुके हैं और ये जो सब कुछ तुम्हें दिख रहा है ये सब कुछ उसी की बदौलत हुआ है। तो मेरी और FL की रिलेशनशिप के बारे में तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया काफ़ी पुराने ज़माने से, और हम थोड़ा एक्साइटेड में टॉपिक से बाहर भी चले गए। सो जिन लोगों को पता नहीं है कि FL क्लाउड एक्चुअल में क्या है, ये एक बेसिकली सैंपल लाइब्रेरी है जो कि आपके FL प्रोजेक्ट्स के साथ सिंक्ड रहती है। एंड इसमें जितने भी आपको सैंपल्स वगैरह मिलते हैं वो सारे के सारे रॉयल्टी फ्री होते हैं। आप यहाँ पर किसी भी तरह के लूप्स को सर्च कर सकते हो, फिर चाहे वो ड्रम लूप्स हो, कोई इंस्ट्रूमेंटल लूप्स हो, वोकल्स हो, वन शॉट साउंड्स हो, गिटार लूप्स, ड्रिल लूप्स, फ्लूट लूप्स, EDM, प्रीटी मच एवरीथिंग। आप अलग अलग तरह से साउंड्स को सर्च कर सकते हो, यहाँ पर आपको सर्च बार मिल जाती है और यहाँ पर आप साउंड्स पर जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप जॉनर्स इंस्ट्रूमेंट्स BPM की के अकॉर्डिंग भी अपने प्रोजेक्ट के लिए साउंड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। FL क्लाउड में आपको बहुत सारी कलेक्शंस मिलती है, जैसे यहाँ पर एक मेरी पर्सनल कलेक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे एंड साथ में वन ऑफ द OGs जे कैक्टस। लाइक दोनों कितने बढ़िया लग रहे हैं यार साथ में। हर जगह पर तुम्हें अपना भाई मिल जाएगा, जैसे डिस्कवर में जाओ, साउंड्स में जाओ या फिर पैक्स में जाओ, वहां पर भी तुम्हें मैं ही मिलूंगा भाई। नहीं सोचा था मैंने एक लड़का जो कभी ये बनाता था वो इमेज लाइन के सॉफ्टवेयर FL जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, मेरी तो भाई बदली ही बदली है बट बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, वहां पर भी हम फीचर्ड होंगे, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। सो कुछ लोगों का दिमाग में हो सकता है कि मैं FL पर फीचर्ड क्यों हुआ, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ। आई मीन या ये भी है एक बात, बट मेज लाइन आस्क मी फॉर माई कलेक्शन फॉर माई पर्सनल फेवरेट साउंड्स इन FL क्लाउड। तो जो मेरी कलेक्शन में आपको साउंड्स मिलती है वो मेरी पर्सनल फेवरेट साउंड्स है जिनको मैं यूज करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में। वन थिंग, इन साउंड्स को मैंने डिजाइन नहीं किया है बट इन फ्यूचर अगर हो सके तो मैं जरूर से इसमें अपने भी कुछ सैंपल्स एड करना चाहूंगा, बट दिस इज मोर लाइक ये मेरे पर्सनल कलेक्शन है जो मुझे पर्सनली पसंद है इसमें साउंड्स। एंड जो मेरी कलेक्शन है वो किसी स्पेसिफिक एक जॉनर पर स्पेसिफाइड नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे ट्रैप, हिप हॉप, ड्रिल, EDM सभी टाइप के आपको लूप्स वगैरह मिल जाते हैं। ए स्ट्रेट आउट ऑफ फायर लूप्स
Hey. Huh? Let's go. Hey. Hey. Even some vocal phrases, some rise up and impacts. Oh. Dark pianos. इसको स्मॉल कर देना चाहिए. आई एम फीलिंग दिस वन. सो आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी प्लेलिस्ट पर और यहां पर आपके लिए सैंपल तैयार हो जाता है. ऑलरेडी अ वाइब. लेट्स फाइंड आउट समथिंग एल्स. नाइस. Hey, I'm gonna use this one. Yeah, let's check this out. Oh. Hmm. Hey, let's go. ऑलमोस्ट हमारा मेलोडी सेक्शन है, मतलब मिल चुका है हमें. मुझे इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. एक्चुअल में क्या करते हैं, इसको F2 M लिख देते हैं, विच इज विच मीन मेलोडीज. एंड इसको इस पर क्लिक करेंगे एंड राउट टू दिस ट्रैक ओनली. एक तरीके से हमारा बस बन चुका है. एंड यहाँ पर हम F2 करेंगे अगेन, M B विच मीन M बस. ये बहुत ही सही तरीका मुझे लगता है. तो अभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनको मैं एक सिंगल बस के साथ लिंक करूंगा. उसके बाद अगर उसमें मेरे को सभी इंस्ट्रूमेंट पे एक क्यू करना है या फिर सभी इंस्ट्रूमेंट पे एक रिवर्ब या फिर कुछ भी इफेक्ट डालना है तो उसको मैं आराम से यहां से कर सकता हूं. नाउ लेट्स फाइंड आउट सम किक्स. एंड यहां पर हम जाएंगे एंड देखते हैं कुछ किक्स. ओके ओके, किक थोड़ी सी सस्ती सी लग रही है, इसको थोड़ा सा बूस्ट कर देते हैं. अब फुलर आएगी. या एंड थोड़ी सी थिन ये किक है क्योंकि इसमें हम 808 थोड़ी भारी वाली यूज करने वाले हैं. अगेन मैं खुद के ही कलेक्शन में जाऊंगा एंड यहां पर मैं सर्च करता हूं हाई हैट्स. अगर कोई बढ़िया सा लूप मिल जाए, और आप इसको ऐसे भी सुन सकते हो, ये इसके साथ सिक्ड रहता है. ए आई लाइक दिस वन. एंड इसको ही हम यूज करने वाले हैं. सो यहां पर हम ड्रम्स के लिए भी अलग सा सेक्शन बना लेते हैं. तो हमने कुछ ये पैटर्न बनाया है. वो ड्रिल वाले वाइब मेरे को पता नहीं क्यों चाहिए होती हर बार. एंड एज यू नो मुझे पसंद है अपने प्लेलिस्ट पर ही ड्रम्स को बनाना, पता नहीं क्यों, बट है. 808 ढूंढ लेते हैं कोई बढ़िया सी. नाइस. ओह ये काफी सब बेस वाली है, मेरे को ये पसंद आई. या एंड ऑफकोर्स यहाँ पर पैसे लिखा है ये सी स्केल में है तो हम इसको सी ही रहने देंगे. एंड यहाँ पर हम इसके क्या बोलते हैं, इसको एनवलोप में जाएंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे. अटैक को बिल्कुल ख़त्म, होल्ड को फुल एंड दूसरी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म सा कर देंगे. ठीक है, और मेन पिच चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सी में है. अगर मान लो ये ई या फिर डी में होती तो हम यहाँ से इसकी जो मेन पिच है उसको डी में कर देते, अगर ई में होती तो ई में कर देते. वन मोर थिंग, कट इटसेल्फ बहुत ज़रूरी है. So, इसके साथ ट्राई करते हैं हम. अरे इस पैटर्न को नाम तो दे लेते पहले. 808 यहां पर डाल देंगे, उसके बाद हम रिकॉर्ड को स्टार्ट कर देंगे नोट्स पर. लेट्स स्टार्ट. कुछ गलतियां हुई है उसको हम ठीक कर लेंगे. कंट्रोल ए कंट्रोल क्यू. ई माइनर है ना, अब हम इसको एक बार देख भी लेते हैं कि ई में है भी ना ये. ठीक, वैसे मैंने तो सिलेक्ट ई ही किया था. व्यू स्केल हाइलाइटिंग एंड ई
यहाँ से हम सेलेक्ट करें। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं एक बार इसको चीज़ को देख लो कैसे किया हमने, व्यू में गए उसके बाद नीचे स्केल हाईलाइटिंग एंड यहाँ से आप अपनी स्केल चूज करते हो जिस ट्रैक रखनी है। जैसे हम इसको करेंगे उसके बाद ये बता देगा कौन कौन से नोट्स में रहेगा ये। तो ई माइनर है अभी हमारा और हमने सी ही वो सिलेक्ट किया है, सी में ही थी, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे जैसे हमने कोई कोई गलत नोट कर दिए इनको हम ठीक करने वाले हैं। यहाँ पर ठीक है। टंग 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 मजा सा नहीं आ रहा है ना। यू नो बट हम यहाँ पर एक और चीज कर सकते हैं, धूम धूम एंड धूम। आई मीन 69 इज गुड नंबर। आर्केड खोल लिया है हमने और मेलोडी में हम कुछ और करने वाले हैं। ओके वेट अ मिनट, या भाई ये क्या बन रहा है। मैं पसंद कर रहा हूँ, मुझे समटाइम्स पता नहीं होता, मैं बीट्स ऐसे ही बनाता हूँ कि बैठा कुछ भी बना दिया और वो अच्छा बन गया। मुझे मस्त लग रहा है ये, मैं बनाने वाला हूँ इसको। रिकॉर्ड करते हैं ओके। रिकॉर्ड नोट्स एंड ऑटोमेशन लेट्स। एट टू एट में हमें लग रहा है थोड़ा सा बेस की जरूरत है। नो डाउट बंद तो बढ़िया रही है, बट आई एम थिंकिंग कि इसके जो सेकेंड हाफ है इसको हम क्या कर देंगे, इसमें कुछ और पैटर्न बना देते हैं, इसको यूनिक मेक यूनिक कर देंगे। कहाँ पर है मेक, यहाँ पर है, एंड इसमें पैटर्न थोड़ा सितार का अलग कर देते हैं। भाई देखो कुछ भी बोलो, इंडियन सितार ने तो जान डाल दी भाई इस बीट में, मुझे नहीं पता था ये होने वाला है। एक और चीज़ का ना, अगर मैं सितार को बंद कर देता हूँ एंड इससे जो गिटार मेलोडी है उसके बिना भी भाई ये एक अलग बीट बन जाती है। ए इसके साथ ना सुने तो मैं 3 बीट्स बना सकता हूँ पता है इससे। तो हमारे पास बेसिकली एक कितने बार का लूप, बहुत लंबा लूप बन चुका है ये। तो एक्चुअली बस इसकी अरेंजमेंट करनी होती है, आगे पीछे चीज़ों को लगाना होता है, कहीं पर चीज़ों को कट करना होता है, कहीं पर जोड़ना होता है, तो उसी टाइप से आपकी बीट बन जाती है कंप्लीट। तो मेन जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास बन चुके हैं, तो हम इनको एक बार कंप्लीट सुन लेते हैं। ओके
आई लव दिस गिटार भाई. क्या बीट बनी है यार, मैंने खुद नहीं सोचा था कि ये ऐसी बनेगी. यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. खुशी भी है इस चीज की बहुत ज्यादा. मेरे लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है कि तुम यहाँ पर मेरा नाम देख सकते हो. तो अभी जब भी कोई एफएस स्टूडियो खोलेगा तो उसे जरूर से मेरा नाम भी दिखेगा. ये मेरे लिए तो काफी बड़ी अचीवमेंट है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक अंदर से बहुत ज्यादा खुशी सी हो रही है कि भाई मेरा नाम भी है वहां पर. ये देखो साथ में अपना जे भाई भी है, बट मैं भी हूँ वहाँ पर. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. हमने एक बहुत ही खतरनाक बीट बनाई फ्रॉम स्क्रैच एंड जो मेरे पर्सनल फेवरेट सैंपल्स है उनसे. बस दिल से यही बोलना चाहता हूँ थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी सपोर्ट किया है, जिन्होंने भी प्यार दिया है और जो अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं. बहुत कुछ हम इन फ्यूचर करेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी चैनल पर अलग अलग. भाई जब गिव अवे आएगा जिसकी मैंने बात की थी FL एंड अदर प्लगइन्स वगैरह, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहां पर ज्यादातर अपडेट्स मैं दे दूंगा गिव अवे के. बहुत जल्दी होने वाला है. तो मिलेंगे वीडियो में इस तरीके से. तब तक के लिए बाय बाय बाय.